बार फिर सही फैसला लिया जैसे चार महीने पहले लिया था, आज भी मैंने सही फैसला लिया है और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आकाश सक्सेना यहाँ से विधायक चुन के जाएंगे और रामपुर के जो भविष्य है उसमें तरक्की होगी और रामपुर में सुधार आएगा, यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सुधार डेफिनेटली आएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कारोबार है, जो रोज़गार है, सब में। आज़म खान और उनके प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। वो तो आरोप लगाते हैं जब उन्हें लगता है उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकती है, जब वो उनका प्रत्याशी हार रहा होता है तो वो किसी ना किसी के ऊपर तो उसका जिम्मेदार ठहराएंगे। इस दफ़ा प्रशासन को ठहरा रहे हैं, प्रशासन का क्या लेना देना, प्रशासन तो वो कर रहा है जो हमारे संविधान के हिसाब से जो चुनाव आयोग एक नियमवली तैयार करता है कि चुनाव में यही व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों वोटरों के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल निडर हो के निष्पक्ष तरीके से वो चुनाव करें, वही हो रहा है जैसा आप पीछे देख रहे हैं। आज़म खान स्टेज पे आंसू बहा रहे हैं, क्या उनको अपनी चीज़ वो सब ड्रामा है, वो ड्रामा है, वो एक्टिंग अब से नहीं कर रहे, वो तो 40-50 साल से एक्टिंग करता रहता है। उसने अभी तक अपने स्टेज से ये नहीं कहा है कि उसका प्लान क्या है रामपुर के लिए, क्या रामपुर के लोगों को देगा इस चुनाव में। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील मैं ये करूँगा कि अब अल्लाह ने एक दफ़ा मौका और दिया है, अभी भी सही फैसला ले लें ताकि आगे को चल के उनके लिए फायदा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।